हे मॉडर्न डियर स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, इन्जॉइंग योर क्लासेज। ओके स्टूडेंट बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, और जब भी आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिविजन करते हैं। ओके, रिविजन मीन्स क्या होता है? अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स कम्प्लीट किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हम अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से दे सकें और बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो बेटा देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से रिवीजन हैं। सबसे पहले आप अपनी कंप्यूटर की बुक निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे। बेटा ये रिवीजन आपको कॉपी में करना है, तो आप अपनी कंप्यूटर की कॉपी निकालेंगे। हेल्प के लिए आप बुक यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, सेंटर में आपको रिवीजन वर्क वन लिखना होगा। ओके, रिवीजन वर्क वन में बेटा आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या क्या फुल फॉर्म्स लिए गए हैं। फर्स्ट इज इनिएक, आपको इनिएक का लिखना है फुल फॉर्म्स। तो इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, सेकंड एडवैक, एडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट यूनिवैक फर्स्ट, यहाँ पर आपको यूनिएक फर्स्ट का फुल फॉर्म लिखना है, ना कि यूनिवैक या यूनिवैक सेकेंड। तो यूनिवैक फर्स्ट का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके किड्स, फोर्थ देखते हैं एआई, एआई का फुल फॉर्म होगा बेटा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। ओके बेटा, आप लोगों ने जनरेशन आप कंप्यूटर पढ़ा है ना? तो आपके कितने जनरेशन आप कंप्यूटर होते हैं? फाइव होते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन आप कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी होती है वैक्यूम ट्यूब्स होती है। सेकंड की क्या होती है? आपकी ट्रांजिस्टर्स होती है। थर्ड की होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एंड फोर्थ की LSI एंड BLSI होती है। और आपकी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अभी डेवलप हो रही है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मीन्स ये ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने वाला आपका एक डिवाइस होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर, यू नो वेरिएबल पर्सनल कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का यूज हम स्कूल में, घर में, अपने ऑफिस में, अपने शॉप के लिए करते हैं, वो हमारा क्या होता है बेटा? पर्सनल कंप्यूटर होता है। ओके, नेक्स्ट ALU, ALU का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, ये हमारे जितने भी मैथमेटिकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या करता है? सॉल्व करता है। ओके, ये हमारे CPU का जो कैटेगरी होता है उसका फर्स्ट होता है, सेकंड कौन सा होता है? CU होता है, और लास्ट कौन सा होता है आपका? MU होता है। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क होते हैं उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। MU क्या करता है? मेमोरी यूनिट है, तो मेमोरी यूनिट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसको वर्क करने का, कंट्रोल करने का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा IPO साइकिल, यू नो वेरी वेल IPO साइकिल क्या फुल फॉर्म होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आपका जितना भी कंप्यूटर सिस्टम का वर्क होता है वो किस पे डिपेंड होता है? आपके IPO साइकिल पर। ओके, लास्ट GUI, GUI का फुल फॉर्म बहुत ही ईजी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको रिविजन वर्क वन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बेटा देखते हैं रिविजन टू। रिवीजन टू में आपको बेटा फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द फिगर आप एबेकस एंड विंडोज लीनियस। ओके, सबसे पहले आपको एबेकस का फिगर ड्रॉ करना होगा, और इसे आपको कलर भी करना है। ओके, पेंसिल कलर का यूज करेंगे आप अपनी कॉपी में। ओके बेटा, यहाँ पर देखते हैं विंडोज लीनियस का फिगर, दिस इज अ फिगर आप विंडोज लीनियस, इसको भी आपको ड्रॉ करना है और इसे भी आपको कलर करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको रिविजन वर्क ऑन और टू समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू रिवीजन के साथ। ओके स्टूडेंट, हैव अ फैंटास्टिक डे।